बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड वन। दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ क्लास। यस्टरडे वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ आवर कंट्री, ऑन पेज नंबर 47। वी लर्न दैट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन 14th August 1947। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। द करेंसी दैट वी यूज़ इन पाकिस्तान इज़ इन रुपीज़। एंड द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड पाकिस्तानी। एंड द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट्स रीडिंग। वी शो रिस्पेक्ट टू आवर फ्लैग बाय सल्यूटिंग इट एंड पिकिंग इट अप इफ़ इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। हम अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट शो करते हैं, उसको सल्यूट करके, और उसको कहीं भी अगर हम देखते हैं कि हमारा फ्लैग ज़मीन पे गिरा हुआ है तो हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। द वाइट पार्ट स्टैंड्स फॉर द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी। वाइट पार्ट हमारे फ्लैग का किस चीज़ को शो करता है, जिस तरह ग्रीन पार्ट हमारे फ्लैग का शो करता है कि हमारे मुल्क में मुसलमान ज़्यादा हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी को शो करता है। इसी तरह वाइट पार्ट शो करता है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, नॉन मुस्लिम्स जो हैं, गैर मजहबी लोग, वो कम हैं। द वाइट क्रिसेंट एंड स्टार इज़ इन द सेंटर ऑफ द ग्रीन पार्ट। वाइट क्रिसेंट, वाइट चांद और स्टार जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, ग्रीन पार्ट के बिल्कुल सेंटर में है हमारे फ्लैग में। द क्रिसेंट स्टैंड फॉर प्रोग्रेस। क्रिसेंट किस चीज़ को स्टैंड करता है, प्रोग्रेस को, तरक्की को स्टैंड करता है, शो करता है। एंड द फाइव रेड स्टार रिप्रेजेंट्स लाइट एंड नॉलेज। और जो ये स्टार है ये किस चीज़ को शो करता है हमारे फ्लैग में, लाइट को, रोशनी को और नॉलेज को, इल्म को, ठीक है। हमारे फ्लैग का हर एक हिस्सा किसी ना किसी चीज़ को शो करता है, ठीक है। वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हम अपने फ्लैग की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और अपने परचम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ग्रीन कलर जो है हमारे पाकिस्तानी फ्लैग का, आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा है, ठीक है। वाइट कलर थोड़ा है और ग्रीन कलर ज़्यादा है फ्लैग में। ग्रीन कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम मेजॉरिटी को। ग्रीन कलर ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि हमारे मुल्क में मुसलमान ज़्यादा हैं। और नेशनल फ्लैग हमारा कौमी परचम। अ फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ अ कंट्री। एक फ्लैग जो होता है वो किसी भी कंट्री का सिंबल होता है, किसी भी कंट्री का साइन होता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का कोई ना कोई अपना फ्लैग है, अलग फ्लैग है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो टू कलर्स का है, ग्रीन और वाइट, जिस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चांद सितारा है। उसी तरह इंडिया का फ्लैग अलग है, उसमें थ्री कलर्स होते हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। और अमेरिका का फ्लैग अलग होगा। इसी तरह जितने भी कंट्रीज़ पाकिस्तान में हैं उन सब के अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, और वो सब फ्लैग्स उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन कंट्रीज़ को के सिंबल होते हैं, ठीक है, उनकी शनाख्त होते हैं। द पाकिस्तानी फ्लैग वॉज डिज़ाइंड बाय सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो किसने डिज़ाइन किया था, सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। ये वो इंसान हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का फ्लैग डिज़ाइन किया था, बनाया था। उन्होंने बताया था कि हमारे पाकिस्तान में के फ्लैग में टू कलर्स होंगे, उसमें एक सितारा होगा, एक चांद होगा, ठीक है। तो ये हमारे पाकिस्तानी फ्लैग का जो डिज़ाइन था वो इन्होंने दिया था। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्रीन एंड वाइट इन कलर। हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो टू कलर्स में है, ग्रीन और वाइट। द नेशनल, द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम मेजॉरिटी। इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज रीड इट एट लीस्ट वंस एंड लर्न द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आवर फ्लैग, लाइक इट्स स्टार रिप्रेजेंट्स लाइट एंड नॉलेज, क्रिसेंट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स एंड वाइट कलर रिप्रेजेंट्स नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी। वी विल मीट अगेन एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।